कामा में कामसेन स्टेडियम पर अमीन पठान फाउंडेशन द्वारा पूर्व राज्य मंत्री राजस्थान सरकार अमीन पठान के योम पैदाइश पर जनाब अमीन पठान ने विशाल मेडिकल कैंप लगाकर अपना जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया। अमीन पठान के जन्मदिन पर बॉलीवुड कलाकार जीतू वर्मा उर्फ जो अभिनेता व बिंदु द्वारा सिंह मुंबई से चलकर कामा पहुंचे, जहां पर रास्ते में ही कामा विधानसभा क्षेत्र के गांव लहसर में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला महामंत्री डॉक्टर दीना खान ने पूर्व मंत्री अमीन पठान का डीजे के साथ भव्य स्वागत किया। अपने निवास पर फूलों की माला पहनाकर जन्मदिन की मुबारकबाद पेश की। उसके बाद पूर्व मंत्री अमीन पठान और अभिनेता जोजो उर्फ जीतू वर्मा व बिंदु दारा सिंह कामा पहुंचे, जहां पर कामा के भाजपा के कार्यकर्ताओं ने 51 किलो की माला पहनाकर सभी का भव्य स्वागत किया। तो वहीं भाजपा के ही युवा नेता रवि तिवारी ने पूर्व मंत्री अमीन पठान को चांदी का मुकुट पेश करके व तस्वीर भेंट करके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। पूर्व मंत्री अमीन पठान के जन्मदिन पर पहुंचे बॉलीवुड अभिनेताओं के साथ में युवाओं ने खूब सेल्फी ली और युवाओं में बहुत उत्साह नजर आया। अभिनेता बिंदु दारा सिंह ने पूर्व मंत्री अमीन पठान के जन्मदिन पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी को आपस में भाईचारे के साथ में रहना चाहिए और अपनी सेहत का हमेशा जरूर ध्यान रखें। अमीन पठान के जन्मदिन पर अमीन पठान फाउंडेशन द्वारा लगाया गया विशाल मेडिकल कैंप में हजारों लोगों ने पहुंचकर अपनी अपनी बीमारियों का डॉक्टर के द्वारा इलाज करवाया। इस मौके पर पूर्व राज्य मंत्री अमीन पठान व उनके पुत्र अनस पठान, अभिनेता जोजो उर्फ जीतू वर्मा, अभिनेता बिंदु दारा सिंह, पूर्व चेयरमैन निहाल सिंह मीणा, पूर्व जिला अध्यक्ष अली हुसैन, भाजपा युवा नेता अयूब, भाजपा नेता रवि तिवारी, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के महामंत्री डॉक्टर दीना आमिर आदि सैकड़ों कार्यकर्ता इस मौके पर मौजूद रहे। आप कामा में पूर्व मंत्री अमीन पठान के जन्मदिन में आए हुए हैं, तो आपको यहाँ कामा की जनता ने कैसा प्यार दिया है और कैसा लगा? मेन चीज है कि अमीन भाई हमारे दोस्त हैं और अच्छे नेक इंसान हैं, इसीलिए हम आए हैं। हमें पता है ये नेक और अच्छे काम करेंगे और इन्हें भारी मात्रा से जिताना आप सबका फर्ज है। ये जो कर रहे हैं, अभी एक कैंप चल रहा है, हम देख रहे हैं इसमें ब्लड कैंप भी चल रहे हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ चल रही है, ये मेडिकल चल रहा है। और मेरा कल जन्मदिन था, आज इनका जन्मदिन है, हमारे भाई हैं, इनके लिए भाई हैं। और लोगों को देख रहे हैं हम, लोगों को आजकल हेल्थ की प्रॉब्लम्स होती है और डॉक्टर का मिलना और डॉक्टर का बहुत आसानी नहीं होती, तो ये बहुत नेक काम किया जो इस तरीके से ये अच्छे अच्छे डॉक्टर पूरे जयपुर से अलग अलग जगह से आए हैं और ये ख्याल रख रहे हैं। ऐसे कैंप बढ़ाते रहना चाहिए, सिर्फ बर्थडे ही नहीं, आई थिंक हर दो चार महीने में एक बार ऐसा कैंप आप चलाएँ और भी आप ख्याल रखें। और ऐसे हम चाहते हैं कि हमारे बीजेपी में ऐसे नेता आए ताकि जो लोग अमन और शांति को नहीं फैलाना चाहते, हम चाहते हैं कि हमारे ऐसे मुस्लिम भाई जो हैं वो बीजेपी में आए, उन्हें सपोर्ट मिले, वो जीते ताकि सारे एक हो जाएं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे ही हैं भाई। यहाँ की जनता के लिए आप क्या कहते हैं? जनता के लिए मैं ये चाहता हूँ भाई अपनी सेहत का ख्याल रखें सब लोग। आजकल खाना पीना जो पहले वाला है वो नहीं रहा, बहुत मिलावट हो गई है। आप तो खेते रहते हैं, यहाँ खेतों का खाना खाएं, ट्राई करके हेल्दी रहें, पर डेफिनेटली कोविड की वजह से हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में तकलीफ आई है, लोगों की सेहत ख़राब हुई है और अब बहुत मुश्किल से बॉडियाँ जो चल रही हैं वो बेटर होती जा रही है। लेकिन अपना ख्याल रखें, ये बहुत सख्त ज़रूरत है। अच्छा खाएं, अच्छा पिए, सोएं, थोड़ा हुक्का तम्बाकू बीड़ी इन सब से दूर रहें।